छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सन 2018 की बारिश की मौसम में डेंगू महामारी की तरह संक्रमित हुआ था। डेंगू वायरस ने मुझे भी अपने चपेट में लिया था। अफसोस की बात यह है कि सही उपचार और जागरूकता के कमी के कारण कई लोगों की मौत हो गई। उनमें से एक सुपेला निवासी 10वीं की छात्रा कुमारी मोनिका टंडन भी थी। मेरा नाम श्रीमती अंजनी वर्मा है। मैं इस एरिया की मितानिन हूँ और मैं करीब 150 से 200 घर देखती हूँ। हम लोग अपनी टीम के साथ घर घर जाके टंकी की पानी, कूलर खाली करवाए, टायर में गमले में जो पानी था वो मतलब लार्वा ख़त्म करना पहला उद्देश्य था हम लोग का। मेरा नाम लक्ष्मी झा है। मैं इस एरिया की एनएम वाड़वारा की। हमें मेरे अंतर्गत 6000 जनसंख्या आती है। मैं उड़िया मोहल्ला में 40 डेंगू पॉजिटिव केस है। ऐसे करते करते मतलब टोटल मेरे एरिया में 65 डेंगू पॉजिटिव केस आए हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है, गंदगी, पानी जमा करके रखते हैं, लोगों को जागरूकता कम है, इसके कारण शायद हमारे दुर्ग जिला में ऐसा प्रभावित हुआ है। डेथ रेशियो कितना है? 1 है। डेंगू का शिकायत हॉस्पिटल में रिपोर्ट मांगी से बने का कर ले बेटी करम खुद के हो 16 साल के लड़की बेटी जो भी नारी हो घर में होकर जैसे कम सूरत को भी मिली बेटी तो बोल का कर वो बात हम कम मेरा नाम सुधा मनहरे है। कन्याशाला इसमें पढ़ती हूँ 10वीं क्लास में। मोनिका एक बहुत अच्छी लड़की थी, वो मेरी फ्रेंड थी। डेंगू से उसका मौत हो गया। एक साथ स्कूल जाते थे हम लोग, पड़ोस में रहते हैं तो एक साथ सोते थे, खाते थे, खेलते थे, सब चीज़ करते थे। मेरा नाम उषा देवांगन है। मोनिका टंडन मेरी डांस पार्टनर थी। तो डेंगू के कारण डेथ होने के कारण उसको खो डाली। और मोनिका सच में बहुत ही दुखद था। उसकी डेथ से हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत टचिंग था। उसकी डेथ के बाद बहुत सारे बच्चे और डर गए थे, क्योंकि हमारे एरिया में डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। उसने एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया तो उसके स्टेप्स इतने अच्छे थे कि सभी ने उसकी इतनी तारीफ़ की तो बहुत इम्प्रेसिव हो गई थी, बहुत खुश हो गई थी। तो उसके बाद से उसने मतलब एनुअल फंक्शन के पार्टिसिपेशन के बाद उसने ये सोच लिया था, ऐसा लगता था कि अब मैं पढ़ाई में भी अच्छा करके दिखाऊँगी। तो वो पढ़ाई में उसने बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसी बीच उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो नहीं बचा पाए थे उसके पेरेंट्स डॉक्टर्स। बहुत ही दुखद था ये। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि हमारे स्कूल में किसी भी बच्ची या किसी भी मतलब इतने यंग एज में किसी की भी डेथ नहीं होनी चाहिए, स्पेशली डेंगू। वी शुड बी अलर्ट फॉर दैट। हमारी बेटी तो वापस नहीं ला सकती, लापरवाही तो डॉक्टर लोग की, इलाज कर रहे उसको टाइम पे, सही टाइम पे कभी इलाज नहीं हुआ। दिन में उसका ब्लड टेस्ट हुआ, चौथे दिन में एडमिट हुए और पांचवे दिन रहे, छठवें दिन में वहाँ चले गए बालाजी हॉस्पिटल, रिफर कर दिए। ये हॉस्पिटल में हुआ डेथ श्री बालाजी, डेंगू से हुआ उसका डेथ। इसका मृत्यु प्रमाण पत्र में लिखा है और पत्रिका में कुछ और छपा था अखबार में कि उसको उसका डेंगू ठीक हो गया और घर लेकर चले गए। कर अपने बचाव के लिए कुछ तो कर नहीं पाए और अपने बचाव के लिए उल्टे पुल्टे पेपर छपवा दे कि घर लेकर गए करके।